पॉटर ए दोरमा इंग्रेडिएंट्स आर प्याज लहसुन मिर्चा अदरक टमाटर आलू मैश किया हुआ उबला हुआ चार आलू मैश करके रखा है पनीर कद्दूकस किया हुआ है मसालों में मिर्चा नमक धनिया हल्दी और थोड़ा सा चीनी और ये आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि परवल को हमने फ्राई करके हटा के रखा है। कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें हम अब डालने जा रहे हैं प्याज प्याज को हल्का सा सॉटे कर ले रहे हैं। देखिए इसे हम स्टफ परवल भी कह सकते हैं। ये देखिए परवल का पूरा ये मुंह खाली इसके अंदर कुछ। अब इसमें हम लहसुन अदरक जूलियंस कद्दूकस किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। डाल के इनको फ्राई करेंगे। टमाटर हल्का सा नरम हो जाना चाहिए, उतना फ्राई करना है कि टमाटर गल जाए। देखिए टमाटर गल गया है। अब इसमें आप सारे मसाले डाल दीजिए, जैसे हल्दी, देखिए हल्दी मैंने डाला, नमक स्वाद अनुसार, धनिया, चीनी हल्का सा और मिर्चा। मिर्चा जितना आप ले सकते हैं, आप लोग अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, वरना आप हल्का नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल में है। ये देखिए फ्राई हो गया है। मसाला जल ना जाए हल्का सा पानी डाल दिया हमने इसमें। देखिए हो गया है। अब इसमें हमने मैश किया हुआ आलू जो मैंने करके रखा था, चार मैश किए हुए आलू और ये देखिए ये है पनीर। पनीर को हमने थोड़ा सा पनीर इसमें डाल दिया है और थोड़ा हम जो है सजाने के लिए पनीर रख दिए हैं ऊपर से। और अब इसको हम स्टफ करेंगे परवल में। देखिए किस तरह से ये परवल खाली है, देखिए मैदे से बंद कर दिया है।